चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे, स्वागत है आप लोगों का। आज लाजवाब टॉपिक है बच्चे, और ज्ञान विज्ञान में मैंने जीआई टैग को इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि आज के संदर्भ में किसी भी भारत के किसी भी भौगोलिक प्रदेश में कौन सा चीज क्या फेमस है, इसको एक मान्यता देने के लिए और इसको सभी के नजर में लाने के लिए कौन से क्षेत्र में कौन से उत्पाद ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए एक जीआई टैग का शुरुआत किया गया है बच्चे भारत सरकार के द्वारा। याद रखिएगा कि ये जो है, ठीक है, भारत सरकार का एक क्या है, अभियान है, जिसके तहत, ठीक है, आपको हर हर जगह के माया चौहान जी फर्स्ट व्यू, तो अच्छी बात है बच्चे। तो बच्चे लगातार जुड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसे ऐसे टॉपिक को हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष, राजीव कुमार जी, जय भारत जी, धीरज चौहान जी, सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चे किसी क्षेत्र विशेष के किसी महत्वपूर्ण उत्पाद को आप पूरे विश्व के सामने में लाना चाहते हैं तो ये जीआई टैग दिया जाता है। हर क्षेत्र की कुछ कुछ विशेषताएं होती है, वहां के कुछ उत्पाद होते हैं जिसे हम जीआई टैग के आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं तो एक वैल्यू देते हैं। बच्चे याद रखिए क्या है जीआई टैग, व्हाट इज जीआई टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, जीआई टैग या भौगोलिक संकेत किसी भी उत्पाद, बच्चे ये देखिए, उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है या उत्पाद के विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, एक दूसरी उसकी विशेष गुणवत्ता, क्या उसमें गुण है और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। ये आपको एक तरह से कहिए कि लोगों के सामने में उस भौगोलिक प्रदेश के उत्पादों को लाने का एक अभियान है बच्चे, ये जीआई टैग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र का रसगुल्ला बहुत फेमस है तो उसको जीआई टैग, जैसे लड्डू फेमस है तो उसे जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेत टैग का संक्षिप्त नाम है, और ये शुरू कब से किया गया था तो 2003 से शुरू किया गया था, और पहला उत्पाद, भारतीय उत्पाद, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला, ठीक है, जीआई टैग किसको दिया गया था बच्चे, तो वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। आपको पता है दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है बच्चे, और इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है, और यह इतना ज्यादा फेमस है कि लोग मांगते हैं भैया हमको दार्जिलिंग का चाय। तो कहने का क्या अर्थ है कि बच्चे इसको फेमस बनाने के लिए जीआई टैग लाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें आज बतानी है आपको। ये देखिए, औद्योगिक संपत्ति संरक्षण हेतु जीआई टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार हो, याद रखिएगा बच्चे, ये आईपी, ठीक है, आईपीआर है, मतलब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आधार पर इसे शामिल किया गया। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीआई टैग किस कन्वेंशन के आधार पर भारत में दिए जाते हैं बच्चे, तो ये पेरिस कन्वेंशन के आधार पर यह दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन कौन करता है, तो बच्चे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO करता है, और भारत में जीआई टैग का विनियमन कौन करता है, तो भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। बच्चे ये ध्यान में रखना है किस अधिनियम के तहत भारत में जीआई टैग का विनियमन होता है बच्चे, तो याद रखना है आपको कि भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत होता है। वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 15 सितंबर 2003 से प्रारंभ हुआ बच्चे, और जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित, ठीक है, जीआई डेटाबेस को अप्लाई करना पड़ता है। ये देखिए यहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे भी जीआई टैग मिलनी चाहिए, और ये जीआई टैग कब तक के लिए होता बच्चे, 10 वर्षों तक के लिए मान्य होता है एक बार लेने पर, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। तो यहां से देखिए मुख्य बातें क्या है कि औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु जीआई टैग कहां से प्रारंभ हुआ था, तो बच्चे पेरिस कन्वेंशन के आधार पर आपको, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आधार पर यह, ठीक है, शुरुआत किया गया इसका। और ठीक है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग की बात करें तो इसका विनियमन करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है बच्चे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसका क्या होता है, आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, और कहां कराना पड़ेगा, तो ये देखिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ेगा।
आपको, तब जाकर वहां से जीआई टैग आपको हासिल होगा। और पहली बार आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है कि 2003 में पहला उत्पाद जो है जिसको, ठीक है, इसमें शामिल किया गया था वो था दार्जिलिंग चाय, और ये 10 वर्षों के लिए किया जाता है बच्चे, तो इसको ध्यान में रखनी है आपको। यहां देखिए, ये 2003, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, 2021 में आपको किस किस चीज को मिला है जीआई टैग, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर, यहां देखिए जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहां से गुच्छी मशरूम जनवरी 2021, याद रखिएगा गुच्छी मशरूम को कब जीआई टैग मिला बच्चे, तो ये मिला 2021 जनवरी 2021 में, आपको पूछा जाएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए एक नंबर याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश, यहां देखिए मध्य प्रदेश से कौन सा उत्पाद है बच्चे, तो आदिवासी गुड़िया, ये देखिए ये क्या है, आदिवासी गुड़िया को यहां से फेमस बनाने के लिए, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र में बच्चे जलगांव केला, याद रखना आपको जून 2021 अभी रिसेंटली इसको दिया गया है, तो ये आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर गुच्छी मशरूम, ठीक है, फिर देखिए मध्य प्रदेश आदिवासी गुड़िया और महाराष्ट्र जलगांव केला, ये तीनों आपको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे। चलिए, तो सर ग्रुप डी वॉल्यूम 2021 का डिस्कशन बच्चे ऑलरेडी डिस्कशन कराया हुआ है, आप लोग जाकर के, ठीक है, जाकर के सर जीआई टैग से, ठीक है, फायदा क्या है सर, तो जीआई टैग से बहुत फायदा है बच्चे, इस उत्पाद को विश्व व्यापी बनाने के लिए, पूरे भारत में फेमस करने के लिए और इसके संरक्षण के लिए बच्चे, क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, इसके संरक्षण की बात हम लोग करते हैं, यानी किसी उत्पाद के विशेष गुण के कारण ही इसे जीआई टैग दिया जाता है, इसीलिए संरक्षित करने के लिए बौद्धिक अधिकार है बच्चे, नहीं तो कुछ ही मशरूम किसी और क्षेत्र में उगा जाने लगेगा, फिर क्या होगा, आपको वहां की जो, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसका विलोपन हो जाएगा, जिसके कारण उस क्षेत्र को, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए तथा आपको विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए तथा भारत के लोगों के, लोगों में उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए यह किया जा रहा है बच्चे, जीआई टैग दिया जा रहा है। यह देखिए आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे जीआई टैग यहां पर है बच्चे, और यह जून 2020-21 का है, जो आपको, ठीक है, एग्जाम, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, पिछले बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन था, लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, यहां से आपको क्या याद रखना है, देखिए जलगांव केला मैंने पहले बता दिया है, महाराष्ट्र, फिर देखिए आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश मैंने बता दिया है आपको, ध्यान में रखिएगा बच्चे, ठीक है, कला से संबंधित है ये, और गुच्छी मशरूम मैंने बता दिया है जम्मू कश्मीर, यहां देखिए।